आज हर्षित की नई बाइक आने वाली है, तो चलते हैं यहाँ से, हर्षित को उठाते हैं और फिर चलते हैं आगे बाइक लेने के लिए। और अभी भी इस फ्लाइट में सामान बाकी है जिसको मैं आज लेकर जाऊँगा कटनी। ये देखो पूरा फ्लाइट खाली हो चुका है। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल भाई लोग। मैं हूँ शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग, व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और व्लॉग अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, शेयर करिए। और जिसने भी मेरी नॉर्थ ईस्ट राइड वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट है नॉर्थ ईस्ट राइड के नाम से, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आज के व्लॉग में क्या है, आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे, आज आया हूँ मैं हर्षित के लिए बाइक लेने। तो चलते हैं, यामा शोरूम के सामने ही मैं खड़ा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कल यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, लेकिन फिर मैंने पापा से बात की तो कल का दिन अच्छा नहीं था बाइक लेने के लिए, तो हमने एडवांस देके बुक करा दिया था। और आज 11 बजे के बाद का अच्छा मुहूर्त था बाइक लेने के लिए, तो आज हम बाइक उठाएंगे। और मैंने बोला था हर्षित को वाइट कलर वाली लेने के लिए, जो कि ये कलर आता है, पर इसको पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लगा तो ये ब्लैक कलर में ले रहा है। दिखाते हैं अभी, बाइक पहले रेडी हो जाए वहाँ लगेगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ। बाइक ले रहे हैं हम कैश देके, और अभी बस काउंटिंग चालू हो गई है, पेपर वगैरह भी वहाँ पे वो सब बना रहे हैं, और कैश अभी काउंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं कि बाइक कितने की पड़ रही है। तो ये हो गए 1.5, अब इसके बाद आपको कितना 25 समथिंग और वो करना है, 24 है ना, ठीक है। तो गाइस गाड़ी ली जा रही है कैश में, कैश मैंने पूरा काउंट कर लिया है, ये रखा हुआ है कैश, और जो प्राइस है वो भैया बताएंगे कि फाइनल प्राइस क्या है। भैया क्या प्राइस पड़ा है इसका अपन को? ये गाड़ी का सर आपका 1,74,000 है, ठीक है। इसमें आपका RTO प्लस इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है, और गाड़ी का एक्सरूम कॉस्ट, ठीक है। और सर आपने 777 यूज़ किया है, प्लस इंजन वारंटी लिया है, वो 3 साल की हमें, और 3 साल का एक्सटेंड हो जाएगा, 2 साल का कंपनी देता है सर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक वो रहेगा। तो गाइज ये जो बाइक हम ले रहे हैं ये जबलपुर यामा शोरूम भंवरताल गार्डन के पास है, वहाँ से हम ले रहे हैं। और अभी हर्षित देख रहा है वो वहाँ पे बाइक, उसको मैंने बोला है कि डिटेल से चेक कर ले बाइक, तो यहाँ का पेपर वर्क कम्प्लीट करते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइज अभी बाइक चेक कर रहे हैं हम लोग कि बाइक में कोई स्क्रैच या कोई डेंट तो नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, बाइक पूरी फ्रेश एकदम नई खड़ी है, और कल मैं ही इसको देखने गया था, गोडाउन में खड़ी थी बाइक। तो सारा कुछ हो गया है, पेमेंट हमने कर दी है, पेपर वर्क हो रहा है, कैरेक्टर नेम को भी करेंगे, ये देखिए चेंज भी कर सकते हैं ना, हाई बड़ी लिखा है। तो गाइस बाइक रेडी हो गई है, उसकी डिलीवरी ले रहे हैं हम लोग, और अभी चल रहा है फ़ोटो सेशन, तो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली जाएँ। तो हर्षित को मिल गई है बड़ी सी चाबी, और बाइक के साथ में मिल रहा है एक हेलमेट, हेलमेट भी दिखा दो। तो ये एक हेलमेट मिल रहा है जिसमें यामा की ब्रांडिंग की गई है, हेलमेट किस कंपनी का है? स्टील बर्ड का है। तो MT के साथ हमें एक हेलमेट मिलता है, ये देखो ये स्टील बर्ड लिखा हुआ है, स्टील बर्ड का हेलमेट है, चलो बढ़िया है। तो गाइस सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी पेपर वर्क थोड़ा बहुत बाकी है, वो हमको शाम को मिल जाएगा, भैया ने बता दिया है। बाइक हमारी वो आ गई है, ये हेलमेट है, तो यहाँ से निकल रहे हैं और फिर आगे रुकते हैं, बाकी की बातें आगे चल के करते हैं, ठीक है भैया, चलो थैंक यू। तो
भाई भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए जबलपुर में बस स्टैंड के पास है द्वारिका समोसे, बहुत फेमस है, तो यहाँ पे आए हैं समोसे खाने। काफ़ी दिन से नहीं खाए थे मैंने। तो भाई द्वारिका के समोसे खाए मैंने बहुत दिन बाद, लेकिन यहाँ के समोसे, दो समोसे खा लो या आप खाना खा लो, एक बराबर है, पेट भर जाता है। तो भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने अच्छे समोसे मिलते हैं। तो भाई लोग, अभी मैं इस कार का सिनेमैटिक शॉट ले रहा था, मैं यहाँ पे खड़ा था, अच्छी लग रही थी ये कार, तो ये बजाज की क्यूट है। तो भैया मिल गए, भैया ने बोला कि यार हमारा भी वीडियो बना दो। तो ये इनकी कार है और भैया चलाते हैं इसको ओला में। हाँ, ओला उबर है ना, तो ओला में चलाते हैं। अगर आपको क्यूट में बैठना है, जबलपुर में घूमना है, तो आप इस कार में बैठ सकते हो। छोटी सी कार है और जैसा इसका नाम है वैसी दिखती भी है, क्यूट है ये। तो आपका भैया, आप, मैं नंबर ले लेता हूँ। हाँ, नंबर है ना, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिसको भी बुक करना होगा वो आपके नंबर से। जबलपुर घुमाने की बुकिंग लेते हैं। अच्छा, सब बेड़ा घाट, बलेसिंग रॉक, 64 जोगनी और शंकर चौड़ा, गौरी घाट, नर्मदा, अच्छा सब घुमाते हैं। चलो बढ़िया, बुकिंग में पूरा जबलपुर घुमाएंगे। ठीक है, बाइक लेके आ गए हैं अभी हम लोग फ्लैट, जहाँ हमारा पुराना फ्लैट था गौरी घाट। और मेरी कार पे अब पूरा सामान रखूँगा मैं फ्लैट का, जिसको लेके मैं कटनी जाऊँगा। तो अभी शाम तक कटनी निकलना है, उसके पहले ये सब काम है इनको करना है, फिर निकलूँगा मैं। तो बाइक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाइक यार मुझे तो अच्छी लगी, और हर्षित को लेना था, उसको ज़्यादा पसंद आई। और आप लोगों को तो यामा MT कोई अभी नई बाइक तो है नहीं कि पता नहीं हो, आपको फीचर्स वगैरह सब पता ही होंगे। और इसका जो प्राइस पड़ा वो 175 के आसपास हमें अभी इसका जो कॉस्ट है वो आया है, जो कि हमने पूरा कैश पेमेंट किया है वहाँ पे। तो अभी ये थोड़ा बहुत काम है और आज शाम को मुझे फिर यहाँ से निकलना है। उसके पहले एक काम और है, मेरे दो जिगर के छल्ले हैं मेरे भतीजे, वो अभी यहाँ जबलपुर में ही रहते हैं। तो अगर टाइम रहा, अभी मैंने फ़ोन किया था घर पे भाभी को तो वो सो रहे हैं, तो अगर टाइम रहा तो उनसे भी मिलने जाऊंगा और आप लोगों को भी मिलाता हूँ। बहुत प्यारे बच्चे हैं। कैसे हैं अल्कू भाई? बस ठीक है। बाइक लेके आया हूँ मैं छोटे भाई के लिए, तो उसकी पूजा करो। अदीश रो रहा था जब चाचू नहीं आए थे, तो क्यों रो रहा था? तू रो रहा था? क्यों रो रहा था अदीश? नाना जी आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस पूजा हो गई है गुप्तेश्वर मंदिर पे, और उसके बाद आया हूँ मैं भाभी के यहाँ, और यहाँ पे मैं मिलाऊंगा अपने दो जिगर के छल्लों से, और एक है ये अदीश। हेलो करो अदीश। ये है वीर, ये है मेरा बड़ा वाला भतीजा, और ये है वीर की मौसी का बेटा प्रिंस। नहीं, पहले मैं दिखाऊंगा। हाँ, कहाँ जाना है? गाड़ी पे। गाड़ी पे? हाँ। कहाँ? गाड़ी से जाऊंगा। कहाँ जाना है? गाड़ी से। अच्छा, आजा मेरे को किसी तो दे दे बेटा, किसी दे दे। इस गाल पे भी, इस वाले वाली देखो, अधीश के लिए कुछ है। और ये लो ब्लू वाली। अच्छा, एक ये ले लो, ठीक है। थैंक यू बोलो चाचू को, नहीं हर्षित चाचू को। खोल ले, ठीक है। ये कौन सा कलर है? येलो। अरे वाह। एंड दिस, व्हाट इज दिस कलर? ब्लू। वेरी गुड। व्हाट इज दिस कलर? ग्रीन। ओके, व्हाट इज दिस कलर? ब्लू।
And what is this? Nose. What is this? Ear. What is this? Eyes. What is this? Nose. This? Lips. What is this? Hair. What is this? Hand. अदीश तुमको क्या बोल के बुलाता है? वीर। वीर। भैया नहीं बोलता? नहीं। क्यों विशाने? विशे। भैया क्यों नहीं बोलता? भैया तो बोलते नहीं। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे देखो ऐसे बाय। अरे पगले तू यहाँ से करना बाय बाय। यहाँ से करना। अरे यहाँ से करना बाय बाय। अच्छा मेरे को हाई फाइव कर दे। आई फिर से, आई फिर से, आई 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 बस ठीक है। अब बंद कर। अब बंद कर। और मैं ठीक हूँ। आपको दिखा रहे। आपको दिखा ले। बस 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 आ जाएंगे। बस दो और लॉलीपॉप लाएंगे। और लॉलीपॉप और चिप्स। हाँ, और तो मैं कल लेके आऊंगा फिर। ठीक हाँ, है ठीक हाँ, है हाँ, हाँ, हाँ। चलो ये हो चुकी मेरी कार रेडी। इस पे ऊपर भी ये लगेज बन गया अच्छे से। और ये देखो पूरी कार पैक हो रखी है पूरा सामान। और ये खड़ी है हर्षित की बाइक। तो भाई लोग सारे काम हो चुके हैं आज के। हर्षित की बाइक ले ली, उसकी पूजा हो गई, रूम पूरा फ्लैट पूरा खाली कर दिया। और जो मेरे चंगू मंगू थे उनसे भी मिल लिया। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं कटनी के लिए। और हर्षित जा रहा है अपने नए वाले फ्लैट पे जहाँ पे रेंट पे अभी किया है हमने। और कल ये निकलेगा अपने घर कान्हा। तो गाइस यहाँ से निकल रहा हूँ मैं कटनी। तो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।